और प्री मैच्योर बेबीज में क्या एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा। हर बारी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ईजिली नहीं आती। कई बार बच्चे प्री मैच्योर होते हैं, इनिशियली उनको नर्सरी में रहना पड़ता है, लेकिन उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, तो उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है तो आप क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लें? अगर बच्चा नर्सरी में है तो ही हम आजकल कैंगरू मदर केयर शुरू करते हैं, मतलब बच्चे के पास माँ जाके उनको चेस्ट पे लगाती हैं थोड़ी देर के लिए, उससे स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है और देखा गया कि माँ के चेस्ट के साथ लगने से बच्चे का बॉडी टेम्परेचर, उसका हार्ट रेट, उसका ब्रीदिंग सब रेगुलेट हो जाता है, तो उससे माँ और बच्चे की बॉन्डिंग होती है। और अगर बच्चा नर्सरी में है तो भी आप ब्रेस्ट मिल्क भिजवाना बच्चे के लिए शुरू ही जल्दी ही शुरू कर दें, उससे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बनी रहती है और कैंगरू मदर केयर से मिल्क और ज़्यादा आने लगता है। तो रेगुलर ब्रेस्ट मिल्क का, चाहे बच्चा इनिशियली डायरेक्टली नहीं फीड कर पा रहा, बट एक्सप्रेस करके आप देना जल्दी शुरू कर सकते हैं। जब आपको बच्चा मिलता है तो आपको, क्योंकि बच्चा प्रीमेच्योर है, उसका पेट थोड़ा छोटा है, तो स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड्स आपने करते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में उसको फीड करना है। इसमें कई बार मेहनत लगती है क्योंकि बच्चा लैच नहीं कर पाता है, पर आपको गिव अप नहीं करना है, आपको बार बार ट्राई करते रहना है। अगर बच्चा लैच शुरू शुरू में नहीं कर रहा, विद टाइम वो लैच करने लग जाएगा। लेकिन हमें ये भी चिंता होती है कि बच्चे का वज़न भी ठीक से बढ़ना चाहिए, तो कई बार ब्रेस्ट मिल्क के साथ हमको टॉप फीड या फॉर्मूला फीड ऐड करनी पड़ती है। बट ग्रेजुअली अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा बच्चा जब लेने लग जाता है तो धीरे धीरे आप ब्रेस्ट फीड की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और फॉर्मूला फीड की क्वांटिटी कम करते जा सकते हैं। जब आप, अगर आपको लैचिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं तो एक चीज़ होती है निपल शील्ड, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। एंड जब तक आप हॉस्पिटल में हैं आप उस टाइम को पूरा अच्छे से यूटिलाइज करें। वहाँ पे नर्सेज होती हैं, आपके डॉक्टर्स होते हैं, आपको प्रॉपर रेस्ट मिलता है, लैक्टेशन कंसल्टेंट्स होते हैं जो आपको प्रॉपरली बताते हैं कि कैसे आप बार बार ब्रेस्ट पे लगाएं, लैचिंग की पोजीशन ठीक होनी चाहिए जिससे इफ़ेक्टिवली ब्रेस्ट एम्प्टी हो सके, बच्चे का भी एफर्ट कम लगे। जैसे जब बच्चा लैच करता है तो उसको, उसका मुंह सिर्फ निपल के ऊपर नहीं होना चाहिए, उसका जो प्रेशर ऑफ द सकलिंग है वो निपल के बाहर जो ब्राउन पार्ट है जिसको हम एरियोला कहते हैं, उसको भी बच्चे के मुँह के अंदर जाना चाहिए और हर सकल के साथ आपको पेन नहीं महसूस होनी चाहिए। तो इससे हमें समझ आता है कि आपकी लैचिंग ठीक है और धीरे धीरे बच्चा जब ये सीख जाता है तो आपकी इफ़ेक्टिव लैचिंग हो जाती है। अब आते हैं ट्विन्स के ऊपर। अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है और अगर आपने सोचा हुआ है कि आप ब्रेस्ट फीड करने वाले हैं तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, लेकिन इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में कोई सपोर्ट ग्रुप है तो ज्वाइन करें, जिन और मदर्स हैं जिनके ट्विन्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और कैसे उन्होंने मैनेज किया है, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा इनसाइट्स मिलेंगे। आप एंटीनेटल क्लासेस अटेंड करें। एंड ट्विन्स में आप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो आपको जितनी भी हेल्प अवेलेबल है, आपको अपने घर वाले, रिश्तेदार, हाउस हेल्प, जापा, जितने भी लोगों की जितनी भी हेल्प आपको मिल सके, आपको सबकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ट्विन्स में हमें ये ध्यान रखना होता है कि आपको प्रॉपर रेस्ट मिले, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, ताकि आप अपना अगर खुद ध्यान रख पाएंगे तभी आप दो बच्चों को फीड कर पाएंगे। तो आपके न्यूट्रिशन को पूरा आपको ख्याल रखना चाहिए और हाइड्रेशन भी अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, या तो आप एक बच्चे को एक टाइम पे फीड करें और दूसरे बच्चे को दूसरे टाइम पे, या अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एक साथ दोनों बच्चों को फीड कर सकते हैं। उसके लिए आप साइड लाइंग पोजीशन या हम क्रेडल या क्रॉस क्रेडल में एक बच्चे को एक तरफ से पकड़ के, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप दोनों बच्चों को साथ में फीड करें, तो उससे आपका टाइम थोड़ा मिलता है, आपको बीच बीच में रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। जैसे अगर एक बच्चा रोता उठा है क्योंकि उसको भूख लगी है, तो आप उसी वक्त दूसरे बच्चे को उठा के फीड कर दें ताकि फिर आपको दो घंटे का ब्रेक मिल जाए, या फिर आप एक बच्चे को डायरेक्टली फीड करके दूसरे बच्चे को एक्सप्रेस्ड मिल्क पिला दें, या आप अगर एक बच्चे के साथ पहले अलग से टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो पहले उसको फीड करके फिर अल्टरनेटली फीड करें। अब इंडिया में हमारे पास थोड़ा सा ये एडवांटेज है कि घर वाले बहुत हेल्पफुल हैं, बाहर के देशों में सब अकेले रहते हैं तो उनको खुद ही मैनेज करना पड़ता है, तो यहाँ पे अगर आप इनफ हेल्प लें सबके साथ तो आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी करा पाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप कई बार भूल जाते हो कि हमने किस बच्चे को फीड किया और किसकी टर्न है, तो आपको एक लॉग बुक मेंटेन करनी चाहिए जिसमें आप लिखते रहें कि इस बच्चे को पहले फीड किया है, किस ब्रेस्ट से फीड किया, उसने कब सुसु किया, कब उसने डायपर गंदा किया,
तो और उसका कितना वेट गेन हो रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि गलती से आप एक बच्चा ओवरफीड हो रहा है, एक अंडर फीड हो रहा है। वैसे बच्चे अपने आप से ही मांगते हैं जब उनको भूख लगती है, लेकिन आप भी थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रख लेंगे तो आपके लिए वो थोड़ा मैनेजेबल हो जाएगा, स्पेशली अगर आपके प्री मेच्योर ट्विंस हैं, क्योंकि तब हमें उनका अच्छा वेट गेन भी चाहिए और हो सकता है आपको टॉप फॉर्मूला फीड से उसको सप्लीमेंट करना पड़े। लेकिन उसको आप धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला था, ग्रेजुअली उसको कम करके ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ाते रहिए।